चार सालों से महिलाओं की साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज चुरा कर करता था ये घटिया काम। जानने वालों की शर्म से झुकी रह जा रही है आंखें। वीडियो में समझे पूरा मामला। केवल महिलाओं के कपड़े चुराता है ये शख्स, मुझे जानकर पुलिस वालों के भी उड़ गए होश। आप भी हो जाए सतर्क, वरना गायब होने लगेंगे आपके भी कपड़े। अपनी अजीब हरकतों से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया छत्तीसगढ़ का ये चोर। आपने भी कभी नहीं सुनी होगी चोरी की ऐसी दास्तां, सुनकर फटी रह जाएंगी आंखें। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में महिलाओं की साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने दर्द दबोचा है। इलाके में महिलाएं जब भी कपड़े धोकर बाहर सुखाती थी तो कपड़े गायब हो जाते थे। आरोपी चोर करीब 4 साल से कपड़ों की चोरी कर रहा था। जी हाँ, आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। और चोर के इस कारनामे के पीछे की वजह भी बेहद हैरान कर देने वाली है। वीडियो में आपको सारी दास्तान जरूर हम बताएंगे, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और आपके शहर से है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र का है और इस बात का खुलासा तब हुआ जब रानी कोम्बो गांव के कृषि अधिकारी सलीम कुजूर के घर से साड़ियां चोरी हो गई। उन्होंने 18 अक्टूबर को इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि 12 अक्टूबर को पत्नी के इलाज के लिए बाहर गए थे। जब लौटे तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखी 7 साड़ियों को चोर चोरी करके ले गया था। वही घर के बाकी सामान को कुछ नहीं हुआ था। बार बार महिलाओं की कपड़े चोरी की शिकायतों पर पुलिस ने जांच शुरू की। मिले जानकारी के अनुसार आरोपी चोर करीब 4 साल से कपड़ों की चोरी कर रहा था। वो उसी कपड़ों को पहनकर डांस भी करता था। पुलिस ने आरोपी इमेल तिर्की से कई साड़ियां बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी गांव गांव जाकर घरों के बाहर सूख रहे महिलाओं के कपड़े, साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज की चोरी करता था। चोरी के कपड़ों को पहनकर वो नाचता भी था। उसे ऐसा करने में मजा आता था। एसडीओपी निमिषा पांडे ने बताया कि काफी लंबे समय से महिलाओं के कपड़ों की चोरी का मामला सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। वहीं अब जाकर शिकायत मिलने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है, साथ ही उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब लोग हैं जो अपनी हरकतों से लोगों को परेशान करते हैं और इससे उनको मजा आता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि सोना चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, कार चोरी हो गया, पर ये खबर शायद ही आपने कभी सुनी होगी कि कोई किसी के कपड़े इस तरीके से चोरी करता है और चोरी करने के बाद वो उसे पहनकर नाचता भी है। ये खबर है ना थोड़ी अनोखी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग खबरों को, फैक्ट को जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके रख लीजिए। ऐसी रोजाना वीडियो आपको मिलती रहेगी। वैसे आपकी इस विषय में क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। अभी के लिए केवल इतना ही।